अभी ये पूरे हादसे ने तो पूरे शहर को दहला दिया है, और मैं पत्रकार हूं तो मेरा काम है खुली बात करना, सही बात सही करना। बात है। 35-40 साल से आपका भी जो परिवार है वो काफी फेमस है, ये या इनफेमस है, ये जो सामाजिक कार्य में सामाजिक कार्य भी है, लेकिन केसेस कुछ आपके ऊपर केसेस भी है है, बराबर, मेरे मेरे ऊपर केसेस है। तो ये अभी रुक जाएगा? मतलब क्योंकि अभी इसमें एक परिवार के एक सदस्य की डेथ भी हुई है कहीं ना हमको कहीं। कुछ करना नहीं है। वनराज के पीछे बोले तो मेरे परिवार में, वनराज के पीछे उसकी वाइफ है, उसके पीछे दो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनका देखभाल मुझे करना आपकी है, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है और वो मुझे निभानी है। और ये जो बुरा काम करने का रहेगा तो मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। तो मेरे को जेल जाने का नहीं, मेरे बेटे की जो भी ख्वाहिश है, मेरे बच्चे लोगों को देखना, उनको पढ़ाना, उनको बड़ा करना, ये आपका ये अभी फोकस, मेरा फर्ज है। लेकिन बेटियों के लिए, क्योंकि बेटियां आपने फरियाद दी है वो अंदर है, और उनसे ये जो पुलिस के हिसाब से भी जो आधिकारिक रूप से कहा गया है, जो शुरुआत में जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो बेटियों को क्या मैसेज है आपका? क्योंकि एक एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बेटियों को क्या मैसेज है अभी बोलो क्या? अभी मैं बिल्कुल खुल के बात कीजिए। अभी नहीं, नहीं क्या वो सबकी बहन सबकी वैरिन ऐसा हो गया, वो मेरे दिल में भी नहीं था, अभी उसके दिल में आ गया। लेकिन उनसे भी मेरे को कुछ करना नहीं है, उनसे भी मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। अभी जो है अल्लाह ताला भगवान वो इंसाफ करेगा और न्याय करेगा। बाकी इसके आगे मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। आपके दुख में हम शामिल हैं, यस और शांति का माहौल बनाए रखिए, इससे ज़्यादा तो क्या कहें, लेकिन ये बड़ा शांति, दुख है। अंधेकर परिवार शांति और अमन से ज रहता है। अभी ये घर का रहने की वजह से दांत भी मेरे और ओट भी मेरा, सही बात है। ऐसा रहने की वजह से कुछ करने को नहीं आता है। और करके क्या करेंगे? अभी मेरा उम्र कितना है? 68। अभी मैं बूढ़ा हो गया, अभी मैं क्या करने वाला हूँ? अभी मेरा बेटा गया, ये दुख बहुत बड़ा दुख है। 68 की उम्र में किसी भी, दुख झेलने का ताकत मेरे को भगवान और अल्लाह और यीशु ये दे, इतनी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मेरे हाथ से अच्छा वनराज के बेटियों का परिवार का अच्छा होना, यही मेरा अभी मकसद है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा बाकी पब्लिक दिखाए कितने लोग आपका इंटरव्यू लाइव भी देख रहे हैं इस समय। पीछे भी आपके आप दिखाइए। पुणे की जो पब्लिक है या आज के जो युवा है, खास करके वनराज की जब अंतिम यात्रा थी तो उस समय सारे पत्रकारों ने देखा, हम लोग भी उस समय यहाँ पर आए थे, हजारों की संख्या में युवा वर्ग जो नए लड़के हैं वो सारे यहाँ थे, उनके लिए शांति और अमन को लेकर आपका क्या मैसेज है आज के युवा वर्ग के लिए जो पुणे के लोग हैं? वनराज का जो प्यार मोहब्बत थी, वनराज ने जो काम किया, वो काम का जो पावते बोलते हैं, प्यार से लोगों को अपनाना, उस वजह से व्यापारी वर्ग मध्यम वर्ग ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभीों ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इतने जन सागर लौटा, बहुत लोग आए, यही वनराज की पावती है। मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। काफी दुकानें भी बंद थी 2 दिन। वो उन्होंने खुद दुकानें बंद करी थी, ऐसा वनराज के जो कार्यकर्ता है वैसा उसने कार्यकर्ता बनाया। कार्यकर्ता बनाने के वजह से अब व्यापारी लोगों का हर किस्म का आदमी, गोर गरीब अमीर गरीब को देखते नहीं, सबका ध्यान, ध्यान रखते हुए ऑटोमेटिक पब्लिक ने बंद किया। और हमारे को गिल साहब ने भी बहुत सहकार्य किया। गिल साहब ने बोला ये देखो तुम एम्बुलेंस फटाफट लेके जाओ, ऐसे करो वैसे करो, सब जन पैदल नाना पेड़ से वैकुंठ स्मशान भूमि तक देखा हमने बिगर गाड़ी से आए और हजारों में। बिगर गाड़ी से गए। यही वनराज भाऊ को श्रद्धांजलि अर्पित किया उन्होंने। अभी कल 10वां है, कल 10वां क्यों है कि 7 तारीख को गणपति बैठने वाले हैं। बराबर।
सुबह दिन और रात ऐसा 5 दिन का पकड़ के 10 दिन होता है, इसके लिए 10वां कर रहे हैं। और जो बाहर से पंढरपुर, सोलापुर, बारसी, अमरावती, नासिक, अकोला, ये बाहर बाहर से लोग आए हैं, रुके हैं, अभी कल 5 बजे वैकुंठ स्मशान भूमि में 10वां हो जाएगा। 10वां होने के बाद मेहमान लोग भी जाएंगे। और अपना अपना गोर गरीब जो गणपति में हल्दी, कुंकू और टावेल और रुमाल, जानवी, ये जो बैठते हैं रंगोली, ये इसके लिए लोगों को वनराज भाई के साथ आए हैं, तो उनको भी अपन ने साथ देना, अपना फर्ज बनता है। संस्कृति का पार्ट है, अपनी संस्कृति का पार्ट है। इसके लिए कल 10वां है और 10 तारीख को घर में, अंतर्गत घर में वो 10वां है, फैमिली में वो 10वां करके समाप्त होंगे। इस उम्मीद के साथ कि शांति अमन बनाए रखने में आपकी एक अहम भूमिका रहेगी, पुणेकर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।